दो कश्मीरी पंडितों पे हमला हुआ, एक की मौत हो गई है इस घटना में। नहीं नहीं, देखिए ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फ़ायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा, तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहाँ पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है, और कश्मीरी पंडित तो कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर, उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो भी कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है सर। तो ये सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंग बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं, और सरकार ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है। सर, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा, पंच प्राण को लेकर के पांच बातें जो भारत के लिए अगले आने वाले कई सालों तक उसके बारे में बात की, और जो हमेशा आप बोलते थे कि एक भी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं लेने का, तो उन्होंने दो नाम लिए, और तीसरी बात वे कि औरतों की सुरक्षा के बारे में बात किया। सुनिए, भारत की जंग आज़ादी के लिए प्रधानमंत्री सिर्फ दो मुसलमानों का नाम लिए तो क्या करूं, मीठे बाटू में ऐसे हजारों नाम है, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, अशफाकुल्ला का नाम लेना पड़ा, हजरत महल का नाम लेना पड़ा, ऐसे कई मुसलमान उलमाओं का, मुसलमानों का, जिन्होंने भारत की जंग आज़ादी में अपना खून पसीना भी बहाया, अपनी जानों को कुर्बान भी किया, तो उनका जिक्र करना ज़रूरी है। कैसे हमको 47 में और 1930 की मेहनत से 47 आज़ादी मिली? नहीं, हमको आज़ादी मिली 47 में इसलिए क्योंकि जंग प्लासी में सिराजुद्दौला ने अजीम कुर्बानी दी, फिर बक्सर की जंग हुई, फिर सैयद अहमद शहीद की शहादत हुई बालाकोट में, 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, फिर 1857 में जंग आज़ादी हुई, तो 47 में इन तमाम का एक सिलसिला चलता रहा। अब रहा सवाल प्रधानमंत्री के भाषण का, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बात कही है, हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया, बिलखिस बानो को उसके पड़ोसियों ने जो उसको जानते थे, बिलखिस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया, उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया, और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया, और ये तमाम के तमाम करने वाले बिलखिस बानो के पड़ोसी थे। बल्कि जब बिलखिस बानो की का रेप हो रहा था तो जो बिलखिस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी,
और बिल्किस बानो को बम्बई हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइव कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया, ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो? बल्कि अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है, गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है, छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीशन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन सीआरपीसी में प्रोविजन है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि इसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आज़ादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आज़ादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं और ये काम होता है, हम इसका कंडेम करते हैं। और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ जबानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहाँ पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की, आप भूल जाते हैं उनको, ये आपकी मोहब्बत है। और रक्षाबंधन के दिन तमाम भाजपा के लोग मुस्लिम खवातीन को बुरखा में, हिजाब में बुला बुला कर अपने हाथों पर राखी बना रहे थे। बिल्किस बानो क्या तुम्हारी बेटी बहन नहीं थी, तुम्हारी बेटी नहीं थी? कि एक महिला प्रेग्नेंट है, 3.5 साल की बेटी उसके सामने हत्या कर दी गई, और उन हथियारों को आप छोड़ देते हैं तो छोड़िए ना फिर आप। गोधरा के लोग भी जेल में हैं, रुबीना मेमन भी 17 साल से जेल में है, जबकि गाड़ी तो उसके नाम पे भी नहीं थी। आपका सीरियल ब्लास्ट है वडोदरा सीरियल, वो भी जेल में, छोड़िए उनको भी आप। मगर आप सिर्फ एक समुदाय के लिए आप बायस्ड हैं, बस ये भाजपा की असलियत है। सर मुजफ्फरनगर में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई, हिंदू महासभा ने तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ उस यात्रा को निकाला गया, तो योगी सरकार उसका परमिशन दी है। योगी सरकार जो है गोडसे के की ताईद में जो जुलूस निकाला गया वो तो उन्हीं के छत्रछाया में निकाला गया ना। मैं यही तो कह रहा हूं, दिल में गोडसे की मोहब्बत है और जबान पे गांधी का नाम है। जो दिल में जब तक गोडसे की मोहब्बत रहेगी तो आप गांधी के पैगाम को क्या समझेंगे? जब तक गोडसे की मोहब्बत दिल में रहेंगी आप अंबेडकर के संविधान को कहां मानेंगे आप? ये असलियत है कि आप गोडसे की फोटो लगाकर एक जुलूस निकाला जा रहा है, क्या पैगाम दिया जा रहा है आजादी के अमृत उत्सव के दिन मुजफ्फरनगर में? पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के भाषण में उनका कोई जिक्र नहीं आया सर, लाल किले से भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनका जिक्र नहीं किया। देखिए जिन लोगों ने 12-15 साल जेल में रहे नेहरू, और जेल में रहकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, तो इनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यकीनन वो कोई ये नहीं कह सकता कि गलतियां नहीं, गलतियां की उन्होंने, मगर क्या उनके रोल को डिनाई कर सकते हम लोग? नहीं कर सकते। जैसा ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रोल को डिनाई कर सकते, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रोल को डिनाई कर सकते, ना जौहर बरादरान को, ना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को, ना मौलाना महमूदुल हसन की कुर्बानी को, ना 57 के मुजाहिदीन को। तो अब आप नाम नहीं ले रहे हैं तो ये तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए क्यों नाम नहीं लिए। सर रेमिशन पॉलिसीज पे प्रॉब्लम क्या है? मतलब देखिए अभी रेमिशन पॉलिसी पे वो लोग डिजर्व करते होंगे तो लोग रिलीज किया गया होगा। दूसरे सरकारों में सर मतलब दूसरे गवर्नमेंट्स भी कई सारे लाइफ कन्विक्ट्स रिलीज किए,
ये गुजरात गवर्नमेंट को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? अभी चलिए टारगेट कर रहे हैं तो आप उनको रेमिशन पॉलिसी कैंसिल करके उन लोगों को फिर जेल में डालना चाहते, मतलब जेल में डालना चाहिए क्या? देखिए ये एक हीनियस क्राइम है, ये एक हीनियस क्राइम है। एक महिला को उसके पड़ोसियों ने जो उसको जानते थे, उस जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके साथ उसके परिवार के 4 महिलाएं थे, उनका रेप और उनका मर्डर हुआ, उसकी 3.5 साल की बेटी की हत्या हुई, उसके पेट में जो औलाद थी उसका कत्ल कर दिए, मिसकैरेज हो गया, जो पुलिस वाले उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, डॉक्टर्स ने एविडेंस को फॉल्सिफाई किया, एक बड़ी जंग बिलखिस बानो के हस्बैंड ने लड़ी थी, मैं उसको सलाम करता हूँ, उसके बाद इन लोगों को सजा हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, और आप इनको रिमिशन के नाम पर इनको आप छोड़ देते हैं? ये हीनियस क्राइम है ना। क्या मिसाल दे रहे हैं पूरे देश के महिलाओं को कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी बेटी के सामने, तुम्हारी 3.5 साल की बेटी तुम्हारे सामने, उसकी हत्या हो जाएगी, उसके सर को पत्थर पर मार कर उसकी हत्या कर देंगे, उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप करके मर्डर कर देंगे, और वो इतने साल लड़ती है कोर्ट में, और कोर्ट से सजा ना सिर्फ उन एक्यूज को होती है बल्कि उन पुलिस ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को भी होती है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन से महिला की शस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं आप? कौन से महिला के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक एक्यूज गया था, एग्जामिन करो कमेटी को। कमेटी तो गवर्नमेंट के महत जाती है ना, कमेटी तो गुजरात गवर्नमेंट की बनाई हुई है, कलेक्टर उनका अपॉइंटी है, तो आपके आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जिस महिला के नेबर्स ने उससे इस तरह की गलत हरकत की, आप उनको छोड़ रहे हैं, और वो भी आज़ादी के अमृत उत्सव सारे देश में मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री लाल किले के खड़े होकर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है, कौन सा अमृत उत्सव के दिन हो रहा है ये? तो फिर रुबीना मेमन 17 साल से जेल में छोड़ी ना, उसको क्यों नहीं छोड़ा था रुबीना मेमन को? क्या कल एक ऐसा दिन भी आएगा कि जो दिल्ली में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, क्या चंद साल के बाद बीजेपी छोड़ देगी उनको भी? क्या उनकी तो फांसी भी होगी उन लोगों को, दूसरे भी कई जेलों में है, तो उनको भी छोड़ देंगे आप? तो ये गलत मैसेज क्या है, बहुत भुला गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत गलत डिसीजन लिया, गलत मैसेज क्या है। और ये इसमें मैसेज में ये भी है कि अगर कोई एक समुदाय के हक में बीजेपी हमेशा डिसीजन लेती है, ये तुष्टिकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। आप डिमांड क्या करते सर, मतलब उनको फिर जेल में डालना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? अब लीगली क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लीगली अगर पॉसिबल है तो लीगली उनका रिमिशन कैंसिल होना चाहिए। आप कैसे छोड़ सकते हैं? क्या जो पड़ोसी है प्रहकर, पड़ोसी थे बिलखिस बानो के लोग, जब बिलखिस बानो का रेप हुआ तो वो जो रेप एक्यूज की दुकान से बिलखिस बानो उसके चूड़ियां पे खरीद कर पहनी हुई थी, वो चाचा चाचा कहकर पुकार रही थी, और उन्हीं को आप छोड़ दिए? क्या मैसेज दे रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भाजपा वाले? सर टीपू सुल्तान के ऊपर, सावरकर के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, और कई जगहों पर तो इसका वो जो विवाद है वो काफी ज्यादा वायलेंस का रूप भी अख्तियार कर रहा है, ये पूरा विवाद क्यों देखते हैं, खासतौर पर जब हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं? जब पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी गई थी जो भारत के पार्लियामेंट में है, उसमें किस किस की फोटो है, किसकी फोटो नहीं है, देख लीजिए जाके, आप आपको पता चल जाएगा कौन पता चले। और क्या सावरकर का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के कमीशन में नहीं कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? कपूर कमीशन की रिपोर्ट नहीं है क्या? वो रिपोर्ट में है वो बात। अभी पिक्चर भी बना रहे हैं सर सावरकर के बाद से, अभी सावरकर पे फिल्म भी बनाई जा रही है। हाँ जो करते करिए, आप तो तारीख को उल्टा करना चाह रहे हैं, आप तारीख को उल्टा करके पेश करना चाह रहे हैं।
सर जैसा आप लाइक यू हैव सेड देयर वर सेवरल पीपल फ्रीडम फाइटर्स हुज रोल कांट बी डिनाइड सेम एज वेल यू नो वी कांट डिनाई द रोल ऑफ सावरकर यस वी कैन नॉट डिनाई हिज रोल इन द मर्डर ऑफ महात्मा गांधी यू हैव टू रीड द जस्टिस कपूर कमीशन रिपोर्ट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ही रोट मर्सी लेटर्स टू द ब्रिटिशर्स हाँ इट अ स्ट्रेटजी ओके आई डिडंट न्यू दैट that writing mercy letters and praising the Britishers and also I didn't know this strategy was that after the murder of Allah Bakhsh a government was formed with Mr. Savarkar's party and Mr. Jinnah's party together in alliance when the call of Quit India movement was made I didn't know it was strategy that Mr. Savarkar and Mr. Jinnah were not in favor of Quit India movement. I didn't knew that. I mean, it is. I'm being. This is a new information to me. But Savarkar was referred and mentioned by Prime Minister in his speech also. Yes, yes, he has to refer it. He has to refer it because it's an ideological thing for him. People who believe in Indian nationalism and people who believe in Hindutva nationalism are different people. So you believe, sir, Savarkar had no role in our freedom struggle? I believe that Mr. Savarkar, according to Justice Kapoor Commission report, was part of the group in the murder of Mahatma Gandhi. I believe that there are letters in public domain where he wrote for mercy from Britishers. I believe that his Hindu Mahasabha, after the killing of Allah Bakhsh, they were part of a coalition with Muslim League. I believe that Hindu Mahasabha, when the call of Quit India was given, they were in alliance with Muslim League. This is what I believe in, and these are historical facts which you and me cannot deny it.